पढ़ा लिखा जाट, सोड़ा दुनी आट। टोन भी सो स्मार्ट, समझे क्या? हमारे जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन तशरीफ ला रहे हैं अपनी नई फिल्म दसवीं के साथ। जी हाँ, दसवीं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है और फिल्म में अभिषेक नजर आएंगे जाट लुक में। फिल्म में यामी गौतम और निमृत कौर भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में किसका क्या रोल है, क्या स्टोरी लाइन है एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, सो कीप वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहान। कौन कहता है कि अभिषेक बच्चन फ्लॉप एक्टर है? भाई उन लोगों को इधर लेके आओ जरा, मतलब किस्मत भी तो कोई चीज होती है, वरना एक्टिंग और डांस तो उनके खून में है। शट अप, नेपोटिज्म की बात नहीं हो रही इधर, हर चीज का एक ही मतलब निकाल लेते हो यार। एक्टिंग देखो ना भाई की, द बिग बुल, मनमर्जियां, इनफैक्ट लूडो, रिसेंटली उनकी फिल्मों की बात करें तो लगभग सभी में उनकी एक्टिंग पर तो सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते। और भाई एक फिल्म को चलाने का भार सिर्फ एक्टर के कंधों पर ही तो नहीं होता ना बाबा, स्क्रिप्ट डायरेक्शन भी तो कोई चीज होती है। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं द अपकमिंग फिल्म दसवीं की। ट्रेलर काफी सिंपल येट एंटरटेनिंग लग रहा है। सोशल कॉमेडी बेस्ड फिल्म है जो परिवार के साथ बैठ के देखी जा सकती है। फिल्म की कहानी है एक जाट नेता गंगाराम चौधरी की, जो कि एक अनपढ़, करप्ट और दिल से एकदम देसी पर थोड़े से अक्खड़ सीएम है, पर एक टीचर भर्ती घोटाला मामले में जेल चले जाते हैं। ये सीएम गंगाराम चौधरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, और वो इस रोल में खूब जज भी रहे हैं। द लुक, द हरियाणवी एक्सेंट, चाल ढाल सब एकदम मस्त। फिल्म में गंगाराम चौधरी की वाइफ बिम्बो का रोल प्ले कर रही हैं निमृत कौर, जो अभी तक तो घर का काम संभाल रही होती हैं, पर चौधरी साहब के जेल जाने के बाद उनको संभालनी पड़ जाती है सीएम की कुर्सी। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा प्रमोशन। पर बेटा ये पावर का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को शातिर बना देता है। अब बिम्बो मैडम कहाँ हाथ आने वाली है, वो तो कह रही है कि सरकार चलाने के बाद अब वो गाय भैंस तो नहीं चलाएंगी। सही बात भी है भाई, अच्छा थोड़ा लगता है मुख्यमंत्री साहिबा गोबर के उपले बना रही है। तो भैया ये नहीं छोड़ने वाली अब तो कुर्सी। फिल्म में दूसरा दमदार कैरेक्टर है जेलर साहिबा का, जो प्ले किया है यामी गौतम ने। मैडम बहुत सख्त नजर आ रही हैं और नेताजी के नखरों से फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए याद दिलाना चाहती है उन्हें उनकी औकात। पर मैडम ने कुछ ऐसा बोल दिया नेताजी को कि वो बात सीधा जाके उनके ईगो को लग गई। अब आप पूछोगी कि वो बात क्या, तो वो ये कि जेलर मैडम चौधरी साहब को आठवीं फेल अनपढ़ बुला देती हैं। फिर उसके बाद तो अब नेताजी ने ठान लिया है कि अब तो भैया वो दसवीं पास करके ही रहेंगे, और फिल्म का नाम और कहानी इसी पर बेस्ड है कि क्या गंगाराम चौधरी दसवीं पार कर पाएंगे और क्या क्या मशक्कत उन्हें करनी पड़ेंगी, जेल में रहकर पढ़ना पॉसिबल होगा या नहीं, तो ये तो अब मूवी देखने पर ही पता चलेगा। एंड जस्ट टू एड वन मोर इन्फॉर्मेशन हियर, ये फिल्म की स्टोरी शायद थोड़ी सी लग रही है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की, क्योंकि वो भी गए थे टीचर भर्ती घोटाला मामले में जेल और उन्होंने भी करी थी दसवीं पास। ओम प्रकाश चौटाला ने 82 साल की उम्र में अपनी 12वीं पूरी की है। हो सकता है प्रेरणा ली हो इन लोगों ने, इंस्पिरेशन। मिमी, स्त्री और हिंदी मीडियम जैसी फिल्में देने के बाद अब प्रोड्यूसर दिनेश विजान लेकर आ रहे हैं दसवीं, जिसे डायरेक्ट किया है अनूप जलोटा के बेटे तुषार जलोटा ने। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है 7 अप्रैल को। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहान और आप देख रहे थे अनकट।